नमस्कार साथियों, जैसे कि आप थंबनेल देख रहे हैं, व्हाट्सएप और स्काइप, गूगल डियो, ईमो जैसी वीडियो कॉलिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने पर सरकार रोक लगाने वाली है। इसके लिए दूरसंचार विभाग ने इंटरनेट टेलीफोन के नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत वीडियो कॉलिंग की अनुमति केवल टेलीकॉम कंपनियों को ही दी जाएगी। टेलीकॉम कंपनियों को अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च करनी होगी, साथ ही केवल लाइसेंस धारक कंपनियों को ही वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को ये जानकारी मिल सके। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेट्स गो। प्लीज सब्सक्राइब करें आपका दोस्त चैनल को, और पास में आएगा बेल का आइकन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो की जानकारी। ये रहेंगे नियम। नियमों के किए गए संशोधन के मुताबिक ऐप से ऐप वीडियो कॉलिंग की सर्विस देने वाली कंपनियों जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, गूगल डियो और ईमो को कॉलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसका सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में वीडियो कॉलिंग ऐप के बजाय वाईफाई से की जा सकेगी। अगर यह सर्विस शुरू होती है तो जैसे यूजर्स वॉइस कॉलिंग के लिए शुल्क अदा करते हैं, वैसे ही उन्हें वीडियो कॉलिंग के लिए टर्मिनेशन चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि जिस कंपनी के नेटवर्क पर कॉल आता है उसे दूसरी कंपनी की ओर से टर्मिनेशन चार्ज मिलता है। केंद्र सरकार ने इंटरनेट टेलीफोनी को दिखाई हरी झंडी। डिपार्टमेंट और टेलीकम्युनिकेशन डॉट ने लाइसेंस शर्तों में संशोधन किया है। इससे सेलुलर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट टेलीफोनी सर्विस दोनों के लिए ही एक नंबर अलर्ट किया जाएगा, जिससे बिना सेलुलर नेटवर्क के वाईफाई सर्विस द्वारा वॉइस कॉल करने को अनुमति मिलेगी। यह सर्विस मोबाइल यूजर्स को नज़दीकी पब्लिक वाईफाई नेटवर्क के लिए कॉल कनेक्ट करने में मदद करेगी। डॉट ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा कि उन्हें सब्सक्राइबर्स को इस सर्विस से संबंधित डिटेल में जानकारी देनी आवश्यक है, जिससे वो ठीक से निर्णय ले पाएँ। इसके साथ ही डॉट से सभी टेलीकॉम कंपनियों को वॉइस कॉल वाईफाई से कनेक्ट करते समय एक से एक डाटा नेटवर्क इस्तेमाल करने की भी इजाज़त दी है। साथ ही अगर थर्ड पार्टी लाइसेंस खरीदती है तो उन्हें भी इस सर्विस की इजाज़त मिल जाएगी। वहीं डॉट ने टेलीकॉम कंपनियों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कंपनी इस सर्विस से संबंधित सभी नियमों का पालन कर रही है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों को भेजें, जिससे उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आपके कोई विचार हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। आपका दिन शुभ हो।